हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक्नो ऋतु को। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक और नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो यहाँ पे दोस्तों होने वाला है सैमसंग का F12। और इसी फोन के रिगार्डिंग दोस्तों कुछ न्यूज यहाँ पे निकल के आई है और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस फोन की कोई कंफर्मेशन न्यूज यहाँ पर सामने नहीं आई, लेकिन दोस्तों रोमन्स के द्वारा हमें ये न्यूज सामने मिली है कि इस फोन के अंदर क्या क्या कंफर्मेशन हो सकती है, यानी कि कौन कौन से फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, साथ ही में इस फोन के अंदर कौन सी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है और ये फोन कब इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, इसी के रिगार्डिंग हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों इस फोन की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस फोन के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और यही दोस्तों फोन की एक सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप इसके बाकी के फीचर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और ऐसी हमारी और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको रोजाना दोस्तों अपकमिंग स्मार्टफोन और YouTube के रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के फीचर के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिल सकती है। साथ ही में दोस्तों इस फोन के फ्रंट और बैक साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। गोरिल्ला ग्लास कौन सा होगा वो यहाँ पर दोस्तों कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही में इस फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो इसका मेन कैमरा होगा वो होगा 48 MP का, साथ ही में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का यहाँ पर आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल सकता है। साथ ही में फोन के फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए 16 MP कैमरा देखने को मिल सकता है, जहाँ से दोस्तों आप काफी अच्छी खासी सेल्फी ले सकते हैं। इसके अलावा इस फोन के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो फोन के अंदर आपको दोस्तों एक्सिनोस 9 का यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो दोस्तों यहाँ पर काफी दमदार प्रोसेसर होने वाला है। साथ ही में इस फोन के दोस्तों यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और यही दोस्तों इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है। और इस फोन की दोस्तों प्राइस को लेकर बात करें तो इस फोन की प्राइस अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस फोन की जो प्राइस है वो 10,000 से 11,000 रुपये तक हो सकती है। और इस फोन की लॉन्च डेट अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस फोन की लॉन्च डेट के रिगार्डिंग या फिर इस फोन के यहाँ पर प्राइस के लेकर अगर कोई कंफर्मेशन न्यूज मिलती है हमें तो उसकी वीडियो हम आपके लिए जरूर बना देंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और ऐसी और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।